भाई सबसे अलग फेस स्मूथ आप लोग भाई करते हैं तो आप लोग से नहीं हो पाता है। और आप लोग ना जो है कि भाई गलती क्या करते हैं, आप लोग भाई जब अपने फेस को स्मूथ करते हो ना तो गाइस आप लोग भाई अच्छे से आप लोग में भाई ब्रश को अप्लाई नहीं करते हो, इसी भाई वजह से आप लोग का फेस स्मूथ नहीं होता है। तो आप लोग ना भाई मैं आज बताऊँगा कि आप लोग कैसे अपने ब्रश को अप्लाई करोगे तो आप लोग का फेस स्मूथ होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं कितना हाई क्वालिटी में आप लोग के सामने ही अपने फेस को भाई कितना हाई क्वालिटी में स्मूथ किया हूँ। तो आज मैं ना भैया आप लोग को बताऊंगा कि मैं अपने फेस को कैसे स्मूथ करता हूँ और अपने फोटो को कैसे एडिटिंग करता हूँ। तो आप लोग ना यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कितना हाई क्वालिटी में और कितना बेस्ट क्वालिटी में अपने फेस को ना भाई स्मूथ किया हूँ। तो आप लोग जब भी करते हो ना तो आप लोग से नहीं हो पाता है और आप लोग भाई छोड़ देते हो भाई, आप लोग करते नहीं हो। तो आप लोग ना भाई ऐसा फेस स्मूथ करने के लिए आप लोग को सिंपल वाला अपना फ़ोटो लेना है। तो भाई मेरा फ़ोटो ना भाई मेरे गैलरी में है, तो मैं यहाँ से अपनी गैलरी को ओपन करता हूँ। और भाई गैलरी को ओपन करने के बाद ना आप लोग मेरा सिंपल वाला फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हो कि भाई मैं ना इस भाई मेरा सिंपल फ़ोटो यहाँ पे रहा। और मैंने भाई किया क्या है, मैंने भाई बस इसी फ़ोटो को ले कर भाई कुछ इस टाइप से फेस स्मूथ और अपने फेस को वाइट किया है। तो आप लोग को ऐसा भाई फेस वाइट और गाइस फेस स्मूथ करने के लिए आप लोग को ना अपना सिंपल फ़ोटो लेना है और भाई सिंपल फ़ोटो ले कर आप लोग को सेंड करना लाइटरूम में। तो आप लोग भाई जैसे लाइटरूम में अपने फ़ोटो को सेंड करेंगे सिंपल वाले के ना, तो आप लोग का सिंपल वाला फ़ोटो भाई लाइटरूम में सेंड तो हो जाएगा। और लाइटरूम में सेंड होने के बाद आप लोग को सिंपली सा लाइटरूम को ओपन कर लेना है। तो आप लोग जैसे लाइटरूम को ओपन करेंगे ना तो आप लोग का लाइटरूम ओपन हो जाएगा। और भाई लाइटरूम ओपन होने के बाद आप लोग सिंपल फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हैं, भाई यहाँ पे सिंपल फ़ोटो आ चुका है। और भाई फ़ोटो आने के बाद ना आप लोग को सिंपल सा उस फ़ोटो पे करना है टाइप। और भाई फ़ोटो पे टाइप करने के बाद ना आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि भाई मेरा फेस भाई उतना ज़्यादा भाई गोरा नहीं है। तो भाई इसको पूरा हाई क्वालिटी भाई गोरा करने के लिए भाई लाइटरूम से ना आप लोग को मैं भाई बताऊंगा। तो गाइस यहां से आपको नीचे आना है और नीचे यहां से आपको मिलेगा लाइट का ऑप्शन। तो आप लोग को लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ना आप लोग को यहां पे मिलेगा कॉन्ट्रास्ट। तो आप लोग को इसको रखना प्लस और हाई लाइट को आपको रखना माइनस और भाई शैडो को प्लस रखना है, गाइस वाइट को माइनस। इतना होने के बाद ना आप लोग को आप क्लिक करना है यहाँ से कलर पर। और भाई कलर पे क्लिक करके ना आप लोग को यहाँ से मिलेगा मिक्स का ऑप्शन। तो आप लोग को क्लिक करना है मिक्स वाले ऑप्शन पे। तो मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ना भाई यहाँ पे मिलेगा भाई आपको बहुत सारा कलर। और आपको भाई बहुत सारा भाई कलर मिलने के बाद ना आप लोग को भाई यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप लोग भाई बारीकी से भाई इसको यूज करना भाई इस कलर को। तो गाइस आप लोग भाई इसको यूज करना भाई जानते नहीं होंगे अभी, तो भाई इसको यूज करने के लिए आप लोग ना भाई सिंपल सा आपको भाई पूरा वीडियो भाई आप लोग का पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आप लोग पहले देख लीजिए, आप लोग को ना पहले भाई यहाँ से लेना ये कलर। तो भाई इसको लेने के बाद ना आप लोग को भाई इसको बीच वाला भाई जो रहेगा ह्यू, सॉरी गाइस मतलब भाई आप लोग का भाई जो रहेगा मतलब भाई सिचुएशन आपको भाई पूरा रखना माइनस। और भाई इतना रखने के माइनस ना भाई इतना होने के बाद आप लोग को अब लेना यहाँ से येलो कलर। तो भाई येलो कलर लेके ना आप लोग को भाई इसको भी पूरा रखना माइनस। और भाई इतना माइनस रख के ना भाई आप लोग को अब लेना यहाँ से ये कलर ऑरेंज वाला। तो ऑरेंज कलर आप लोग को लेके ना भाई इसको रखना पूरा मतलब भाई इसको भाई पूरा भी रखना माइनस एंड गाइस नीचे का भाई प्लस। तो भाई इतना होने के बाद आप लोग को यहाँ से करना है डन। और भाई डन करने के बाद अब आप लोग देख सकते हो यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई मेरा फेस कितना अच्छे से गोरा हो चुका है और भाई कितना हाई क्वालिटी में आप लोग को लाइटरूम से अपने फेस को भाई गोरा करना सिखा दिया हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। और भाई इतना होने के बाद अब आप लोग को इस फोटो को सेंड करना है यहाँ से पिकशॉट में। तो मैं भाई ना अब इस फोटो को पिकशॉट में सेंड कर लेता हूँ। और भाई फोटो मेरा पिकशॉट में सेंड हो चुका है और भाई फोटो ना मेरा भाई यहाँ से पिकशॉट में आ चुका है। और भाई फोटो मेरा यहाँ से आने के बाद ना भाई भाई मैं यहाँ से करूँगा ऐड पीएनजी। तो भाई आप लोग का भाई यहाँ से नीचे मिलेगा ऐड फोटो, तो आप लोग को क्लिक करना इस ऐड फोटो पे। तो ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद ना आप लोग भाई पीएनजी आप लोग जहाँ पे भी रखे होंगे आप लोग को वहाँ से पीएनजी ऐड कर लेना है। तो भाई मेरे पीएनजी भाई मेरे फाइल में है गाइस, मैं यहाँ से अपने फाइल को ओपन कर लेता हूँ। और भाई ना
फाइल ओपन होने के बाद मैं नीचे आता हूँ, और भाई नीचे आने के बाद भाई मैं यहाँ से लेता हूँ लाइट, और भाई लाइट को लेके भाई यहाँ से मैं ना भाई यहाँ से लाइट को लेके मैं भाई यहाँ से ऐड करता हूँ पीएनजी, और भाई पीएनजी को ऐड करके ना मैं भाई यहाँ से इसको करता हूँ एडजस्ट। तो आप लोग को भाई इस लाइट वाले भाई पीएनजी को भाई आप पूरा यहाँ से नीचे आके ना गाइस ब्लेंडिंग पे आके, और भाई ब्लेंड पे आके आप पूरा इसको रखना स्क्रीन, और भाई स्क्रीन रख के ना आप लोग को इसको करना है एडजस्ट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि भाई मैं कितना हाई क्वालिटी भाई इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग भी ऐसे भाई इसको एडजस्ट कर लेना, बस आप लोग भाई कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भाई ऐसे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और भाई ना एडजस्ट होने के बाद आप लोग इसको भी रखना भाई स्क्रीन, और भाई स्क्रीन रख के ना आप लोग भाई इसको मतलब भाई यहाँ से रखना एडजस्ट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कितना बेस्ट क्वालिटी में आप लोग को ना भाई अपने फेस को आप लोग भाई गोरा करके दिखा दिया हूँ, और आप लोग के सामने अपने फोटो को भाई एडिटिंग कर दिया हूँ। तो गाइस मैं यहाँ से करता हूँ डन, और भाई डन करने के बाद ना अब आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई मैं कितना बेस्ट क्वालिटी में आप लोग के सामने अपने फोटो को एडिटिंग कर दिया हूँ। और भाई पूरा फिर अगर आप लोग भाई पूरा फुल वीडियो आप लोग देख लिए होंगे ना, उसके लिए थैंक्स। और भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग भाई फेस स्मूथ भाई सीखना है ना, तो भाई मैं बहुत सारे भाई वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे, आप लोग भाई जाके मेरे चैनल पे आप लोग भाई देख सकते हो भाई फेस स्मूथ, और भाई आप लोग सीख सकते हो।